नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा हरियाणा का जो लाइसेंस होता है, एनलिस्टमेंट भी इसको कहते हैं, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर आपको कौन से ग्रेड में या कौन से क्लास में कितने लाख का काम करने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर हम डी क्लास को बनाएंगे तो कितने लाख का काम करेंगे, बी क्लास बनाएंगे तो कितना होगा, सी होगा तो कितना हो गया, ए क्लास होगा तो कितने लाख का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लिमिट होती है काम करने के लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा डी क्लास का। हरियाणा के अंदर अगर आपको डी क्लास का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवाना है तो इसके अंदर आपको डी क्लास में 10 लाख तक की लिमिट होती है टेंडर डालने की, यानी कि पहला जो डी क्लास का रजिस्ट्रेशन होता है वो डी क्लास में ही होता है। दोस्तों, और जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उस पर आपको वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आराम से देख सकते हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है आपका सी क्लास का। सी क्लास के अंदर दोस्तों आपको 50 लाख का टेंडर डालने की लिमिट मिलती है। आप ये सारी चीज़ें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिकल का है, चाहे आपका बिल्डिंग का है, चाहे रोड का है, बिल्डिंग रोड या ब्रिज का, ये सभी जो भी वो हैं इसके अंदर सभी के लिए यही लिमिट होती है। अब आपका जो सी क्लास होता है उसमें 50 लाख का हो गया। उसके बाद में आता है आपका बी क्लास का। अब बी क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी लाइसेंस बनवाते हो उसके लिए आपको 1 करोड़ तक की लिमिट मिल जाती है, यानी कि आप 1 करोड़ का टेंडर डाल सकते हैं। और उसके बाद में अब आता है आपका अगला पॉइंट, आपका फाइनल जो ए क्लास होता है। ए क्लास के अंदर आपको कोई लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिट टेंडर यानी कि जितना मर्जी आप कोई सा भी टेंडर कितने का भी आप डाल सकते हैं। ये सारी लिमिट अलग अलग ग्रेड के हिसाब से होती है। रिपीट एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ, डी क्लास में आपका 10 लाख तक की लिमिट होती है, सी क्लास के अंदर आपको 50 लाख तक का लिमिट होती है, और उसके बाद में आता है आपका बी क्लास। बी क्लास के अंदर आपका 1 करोड़ तक की लिमिट होती है, यानी कि 1 करोड़ से नीचे नीचे के टेंडर डाले जाते हैं। उसके बाद में फिर आता है आपका ए क्लास। ए क्लास के अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूजन ये समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ 10 लाख का ही काम मिलेगा। नहीं दोस्तों, इसके अंदर आप एक छोटी सी वो समझिएगा, कोशिश करिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। जैसे आपको 10 लाख का टेंडर है तो उससे नीचे नीचे के आप कई टेंडर डाल सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही टेंडर डाल पाएंगे, नहीं, इसके अंदर आप 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक के जो टेंडर होते हैं वो आप 10 टेंडर डाल सकते हैं, 20 टेंडर डाल सकते हैं, 50 टेंडर डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक लिमिट है, तो सिर्फ 10 लाख तक का ही टेंडर भर सकते हैं, इससे ऊपर का टेंडर आप डी क्लास में नहीं भर सकते हैं। उसी प्रकार आप सी क्लास में आ जाएंगे तो सी क्लास में आप 50 लाख तक के कितने भी टेंडर भर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नीचे के भर सकते हैं, 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 40 लाख, ये सारे टेंडर आप भर सकते हैं। लेकिन 50 लाख से अगर 1 रुपये भी ऊपर आपका जाता है तो आप वो टेंडर नहीं भर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। यही प्रोसेस आपको बी क्लास में होता है। 1 करोड़ तक की लिमिट मिलती है, यानी कि 1 करोड़ लिमिट होती है, सिर्फ टेंडर इससे ऊपर का नहीं भर सकते, बाकी नीचे नीचे क्या 50 लाख के, 90 लाख का या 80 लाख का, 70 लाख का जो भी टेंडर भर सके, 10 टेंडर भरो, 20 भरो, 50 भरो, इसके कोई लिमिट नहीं होती है। उसी प्रकार के बाद में अब आ जाता है आपका लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट के अंदर भी आपको कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपको जितना मर्जी का टेंडर भरना है उसमें कोई लिमिट नहीं है, तो उसके लिए आप ए क्लास का बनवा सकते हैं। और ये आप इलेक्ट्रिकल का बनवाएं या आप बिल्डिंग या ब्रिज रोड वगैरह, सब के लिए यही प्रोसेस होता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको, सरकारी जो रूल रेगुलेशन होते हैं मैं उसी के आधार पर आपको मैं ये सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।